एशियाना एयरलाइंस की फ्लाइट 214 साउथ कोरिया से सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर आगे बढ़ रही थी। 291 यात्रियों और 16 क्रू सदस्यों के साथ यह विमान अपने गंतव्य के करीब था, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले पायलटों को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। स्पीड का गलत अंदाजा और विमान की ऊंचाई को सही से न संभाल पाने की वजह से यह विमान खतरे में पड़ गई। बाहर का मौसम साफ है, लेकिन कॉकपिट के अंदर की स्थिति गंभीर है। पायलट विमान को सुरक्षित उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विमान लगातार नीचे की ओर जा रहा था। चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मची हुई थी। क्या पायलट विमान को सुरक्षित लैंडिंग करवा पाएंगे, या यह दिन एविएशन के इतिहास में एक और काला अध्याय बन जाएगा? चलिए इस अनकही और दिल दहला देने वाली कहानी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। यह एशियाना एयरलाइंस फ्लाइट 214 की कहानी है। 6 जुलाई 2013 को 291 यात्री एशियाना एयरलाइंस के बोइंग 777 विमान में सवार होते हैं। एशियाना एयरलाइंस फ्लाइट 214 एक निर्धारित ट्रांसपैसिफिक यात्री उड़ान थी, जो दक्षिण कोरिया के इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अमेरिका में मौजूद सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जा रही थी। इस विमान को स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे उड़ान भरनी थी। विमान में कुल 291 यात्री और 16 क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें 12 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 4 पायलट शामिल थे। इस विमान में आधे चीनी नागरिक थे। इसके अलावा 77 कोरियाई, 61 अमेरिकी नागरिक और अन्य कई देश के लोग भी इस विमान में सवार थे। इस फ्लाइट के सामान्य रहने की उम्मीद थी, क्योंकि एशियाना एयरलाइंस का सुरक्षा रिकॉर्ड अच्छा था और बोइंग 777 एक भरोसेमंद और तकनीकी रूप से उन्नत विमान था, जो अभी तक किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं हुआ था। यह फ्लाइट 49 वर्षीय कैप्टन ली जंग मिन की कमान में थी, जिनके पास कुल 12,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था, जिसमें से 3,000 घंटे उन्होंने बोइंग 777 पर बिताए थे। उन्हें एक शांत और प्रक्रियाओं का पालन करने वाले पायलट के रूप में जाना जाता था। इस दिन कैप्टन ली जंगमिन, जो एक अनुभवी पायलट थे, वे कैप्टन ली कांगकुक को ट्रेन कर रहे थे। कैप्टन ली कांगकुक एयरबस A320 से बोइंग 777 पर स्थानांतरित हो रहे थे। उन्होंने पहले 6 वर्षों तक A320 उड़ाई थी और अब बोइंग 777 पर कप्तान के रूप में ट्रेनिंग ले रहे थे। उनके पास कुल मिलाकर लगभग 10,000 घंटे का उड़ान अनुभव था, लेकिन बोइंग 777 पर केवल 45 घंटे का अनुभव था। यही कम अनुभव इस हादसे के दौरान एक महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। इस फ्लाइट में 2 मुख्य पायलट्स के अलावा 2 रिलीफ पायलट्स भी थे। रिलीफ पायलट्स का काम उड़ान के बीच में विमान की जिम्मेदारी संभालना होता है, ताकि मुख्य पायलट्स को कुछ समय आराम मिल सके। सभी यात्रियों के सवार हो जाने और ईंधन भर जाने के बाद पायलटों ने इंजन स्टार्ट किया और विमान को रनवे की ओर टैक्सी करना शुरू कर दिया। फ्लाइट 214 को रनवे तक पहुंचने के बाद टेक ऑफ की अनुमति मिल जाती है और कैप्टन, जो इस समय निगरानी कर रहे थे, उन्होंने थ्रस्ट लीवर को टेक ऑफ सेटिंग में धकेला और कुछ ही क्षणों में उन्होंने विमान को हवा में उठा दिया। विमान ने टेक ऑफ के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया। कैप्टन ने विमान के प्रदर्शन और ट्रेनी कैप्टन के काम पर निगरानी बनाए रखी। उड़ान का पहला हिस्सा बिना किसी घटना के बीता। उड़ान के कुछ घंटों बाद सभी यात्रियों को खाना दिया गया। इसके बाद कई यात्री सोने की कोशिश करने लगे, क्योंकि यह रात की उड़ान थी और वे थके हुए थे। टेक ऑफ के लगभग 4 घंटे और 15 मिनट बाद पायलटों को थोड़ा आराम करने का समय मिला। इस दौरान रिलीफ पायलट्स ने कॉकपिट की जिम्मेदारी संभाली, जबकि मुख्य क्रू बिजनेस क्लास केबिन की ओर आराम करने के लिए चले गए। उन्हें 5 घंटे आराम करने का समय निर्धारित था और वे सैन फ्रांसिस्को में लैंडिंग करने से ठीक पहले कॉकपिट में लौटने वाले थे। अब रात के 9 बज चुके थे और विमान की निगरानी दोनों रिलीफ पायलट्स द्वारा की जा रही थी। 4 घंटे और 30 मिनट बाद कैप्टन ली कुक और ट्रेनिंग ले रहे कैप्टन वापस कॉकपिट में लौट आते हैं। उन्होंने अपनी विश्राम अवधि आधा घंटा पहले ही समाप्त कर दी थी, क्योंकि यह एक ट्रेनिंग उड़ान थी और वे पूरी तरह से तैयार रहना चाहते थे। कैप्टन सैन फ्रांसिस्को में लैंडिंग को लेकर उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें इस शहर में आए 10 साल हो गए थे, लेकिन साथ ही वे चिंतित भी थे, क्योंकि रनवे 28 लेफ्ट के अंत में निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके वजह से ग्लाइड स्लोप बंद पड़ा था। ब्रीफिंग के दौरान कैप्टन ने कहा कि वह लोकलाइजर का उपयोग करके विमान को सेंटर लाइन पर स्थापित करेंगे और वर्टिकल स्पीड का उपयोग करके उतरने की गति को नियंत्रित करेंगे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वह गति बनाए रखने के लिए ऑटो पायलट का उपयोग करेंगे। पायलट्स ने अपनी मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड को 460 फीट पर सेट किया और कैप्टन ने कहा कि वह अंतिम डिसेंट के दौरान मिस्ड अप्रोच ऊंचाई को 3,000 फीट पर सेट करेंगे। सुबह
10:48 पर क्रू ने अपनी डिसेंट चेकलिस्ट पूरी की और रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट में अपने निगरानी के काम के लिए वापस लौट आते हैं। विमान ने ATC से संपर्क किया और सैन फ्रांसिस्को की ओर उतरने के लिए अपनी पहली डिसेंट क्लियरेंस प्राप्त की। Asiana 214, descend at pilot's discretion. Maintain flight level 240. Affirmative, flight level 240 at pilot's discretion. इस बीच रिलीफ कैप्टन केबिन में आराम कर रहे थे। शुरुआत में जब फ्लाइट हवाई अड्डे की ओर उतर रही थी तब सब कुछ सामान्य था। विमान अपनी उड़ान को जारी रखते हुए सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी। पायलट्स को लगातार निर्देश मिल रहे थे ताकि वे विमान को सही ऊंचाई पर उतार सकें। बाद में उन्हें रडार से वेक्टर मिलना शुरू हो गया। 11:22 पर नॉरकैल अप्रोच कंट्रोलर ने पायलट्स से पूछा कि क्या उन्होंने रनवे देख लिया है। पायलट मॉनिटरिंग, जो इंस्ट्रक्टर पायलट थे, ने कहा कि हाँ, उन्हें रनवे दिखाई दे रहा है। Asiana 214 Heavy, San Francisco Airport at your 9 to 10 o'clock, 17 miles out. Do you have the airport in sight? Runway in sight. इसके बाद कंट्रोलर ने उन्हें रनवे 28 लेफ्ट के लिए विजुअल अप्रोच की अनुमति दे दी। Asiana 214 Heavy, turn left to heading 310. Cleared for the visual approach to runway 28 left. Roger. Cleared to land runway 28 left, Asiana 214. इस समय विमान 6300 फीट की ऊंचाई पर था और 211 नॉट्स यानी कि 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आ रहा था। पायलट फ्लाइंग जो विमान उड़ा रहे थे, उन्होंने पायलट मॉनिटरिंग से कहा कि वे लोकलाइजर को आर्म करेंगे। इसका मतलब था कि वे विमान को सही ट्रैक पर लाने के लिए लोकलाइजर को सेट करेंगे। पायलट मॉनिटरिंग ने कहा चेक, यानी सब कुछ ठीक। इसके बाद दोनों ने तय किया कि अगली ऊंचाई 3100 फीट होनी चाहिए, क्योंकि यह RNAV पॉइंट, जिसे हेमन कहते हैं, कि ऊपर की न्यूनतम ऊंचाई 3100 फीट थी। RNAV पॉइंट्स विमान के लिए रास्ते के संकेत होते हैं, जो बताते हैं कि किस जगह पर कितना नीचे उतरना है या किस दिशा में उड़ना है, ताकि विमान लैंडिंग से पहले सही पोजीशन में आ सके। जब विमान रनवे से लगभग 28 किलोमीटर दूर था, तब लोकलाइजर को कैप्चर कर लिया गया और विमान 5300 फीट की ऊंचाई से नीचे उतरने लगा। उन्हें रनवे 28 लेफ्ट की ओर विजुअल अप्रोच के लिए रडार निर्देश मिलने की उम्मीद थी। विजुअल अप्रोच का मतलब होता है कि पायलट रनवे को सीधे देखकर और उसकी स्थिति को समझकर विमान को लैंड करने की तैयारी करे। यह एक मानक प्रक्रिया है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से प्लान और निष्पादित न किया जाए तो यह गलतियों के लिए बहुत संवेदनशील हो सकती है। ग्लाइड स्लोप के बिना कैप्टन को रनवे की ओर उतरने के लिए अपने अनुभव और दृष्टि पर निर्भर रहना होगा, जो कुछ ऐसा था जिसे वे करने के आदि नहीं थे। हालांकि रनवे को देखकर विमान को उतारना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में मौसम बिल्कुल सही था और पायलट मीलों दूर से ही रनवे को देख सकते थे। मैनुअल रूप से विमान उड़ाने और केवल अपनी आंखों से रनवे को देखकर विमान को उतारने में उनकी कमी एशियाना एयरलाइंस की उस नीति का नतीजा थी, जिसमें पायलटों को जितना हो सके ऑटोमेशन यानी कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता था। एयरलाइन वास्तव में पायलट्स को मैनुअल तरीके से उड़ान भरने से रोकती थी, इसलिए उनकी मैनुअल उड़ान में महारत नहीं थी। एशियाना एयरलाइंस की प्रक्रिया के अनुसार सभी अप्रोच को ऑटो पायलट का उपयोग करके उड़ाया जाना चाहिए, जिसमें विजुअल अप्रोच भी शामिल है। हालांकि ट्रेनिंग कर रहे कैप्टन ने अपने इंस्ट्रक्टर को यह नहीं बताया कि वह इस अप्रोच को लेकर नर्वस महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने अब तक केवल ILS के साथ ही लैंडिंग की थी। यह पहली बार था जब वह बोइंग 777 पर विजुअल अप्रोच कर रहा था। अगर उसने उस समय अपनी घबराहट के बारे में बताया होता तो इंस्ट्रक्टर कैप्टन उसे आगे क्या करना है, कौन से ऑटोमेशन मोड्स का इस्तेमाल करना है और कॉकपिट के उपकरण कैसे चलाने हैं, यह सब सिखाने में ज्यादा मदद करता, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विमान की लैंडिंग के लिए पायलट्स को यह सुनिश्चित करना होता है कि विमान सही ऊंचाई पर हो और सही स्पीड से उड़ रहा हो। इसके लिए एक सामान्य नियम है कि पायलट्स को विमान की ऊंचाई के 3 गुना ट्रैक मील की दूरी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि विमान 1800 फीट की ऊंचाई पर है तो पायलट्स को 5.4 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 10 किलोमीटर की दूरी चाहिए होगी। इस समय पायलट्स सही दिशा में थे, लेकिन ऊंचाई थोड़ी अधिक थी। 11:23 पर पायलट मॉनिटरिंग ने सुझाव दिया कि वे मोड़
कंट्रोल पैनल की ऊंचाई को 1800 फीट पर सेट करें और धीरे धीरे उस ऊंचाई तक विजुअली नीचे उतरें। यह 1800 फीट की ऊंचाई डुएट नामक पॉइंट के ऊपर थी, जो लैंडिंग से पहले का अंतिम बिंदु भी था। पायलट फ्लाइंग, जो विमान उड़ा रहा था, ने इस सुझाव से सहमति जताई और MCP पर 1800 फीट सेट किया। इसके बाद फ्लैप्स 1 की मांग की गई ताकि विमान धीमी गति से उतर सके। हालांकि इस मोड में स्पीड को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया जा सका। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से कहा कि वे रनवे से 5 नॉटिकल मील की दूरी तक विमान की गति 180 नॉट्स पर बनाए रखें। Asiana 214 heavy, reduce speed to 180 knots and maintain until a 5-mile final. There is traffic behind and to your right, which has you in sight. पायलट फ्लाइंग ने स्पीड कम करने के लिए लेवल चेंज मोड का उपयोग किया, जिसमें विमान की नाक ऊपर उठ जाती है और वर्टिकल स्पीड कम हो जाती है। इस बदलाव के कारण विमान की गति घटकर 900 फीट प्रति मिनट से 300 फीट प्रति मिनट हो गई, जिससे विमान लैंडिंग के सही ट्रैक से ऊपर चला गया। मुख्य कैप्टन ने ट्रेनी कैप्टन से कहा कि वे फ्लैप्स को 5 डिग्री तक कम कर दें, लेकिन उस समय विमान इतनी तेजी से उड़ रहा था कि फ्लैप्स को 15 डिग्री पर सेट करना सुरक्षित नहीं था। इसलिए कैप्टन को फ्लैप्स को कम करने से पहले कुछ समय इंतजार करना पड़ा। यह पहली छोटी गलती थी, जिससे यह साफ हुआ कि पायलट्स अपने विमान को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। कॉकपिट में एक छोटा उपकरण होता है, जिसे वर्टिकल पाथ इंडिकेटर कहते हैं। यह दिखाता है कि विमान सही ऊंचाई पर है या नहीं। इस समय पायलट ने इस उपकरण को नहीं देखा, जो विमान को 900 फीट ऊंचा दिखा रहा था, जो कि बहुत ज्यादा है। कुछ समय बाद लैंडिंग गियर को नीचे कर दिया गया, जिससे ड्रैग बढ़ा और विमान की गति नियंत्रित हुई। हालांकि इन गलतियों की वजह से विमान लैंडिंग प्रोफाइल से ऊंचा हो गया, जिससे लैंडिंग प्रक्रिया में कठिनाई पैदा होने लगी। कुछ मिनट बाद पायलट ने वर्टिकल स्पीड को 1500 फीट प्रति मिनट तक बढ़ाया, लेकिन फिर उसे वापस 1000 फीट प्रति मिनट पर सेट कर दिया। इस स्थिति में विमान की ऊंचाई 2250 फीट थी, जबकि सही ऊंचाई 1800 फीट थी। पायलट ने फ्लैप्स 20 की मांग की और लेवल चेंज मोड को बदलकर वर्टिकल स्पीड मोड में स्विच किया। फ्लैप्स 20 का चयन लैंडिंग या धीमी गति से उड़ान भरते समय किया जाता है, ताकि विमान की गति कम रहे और यह आसानी से रनवे पर उतर सके। जब विमान 180 नॉट्स की गति से चल रहा था, तो इसे और धीमा करने के लिए ऑटो पायलट ने विमान के नोज को ऊपर उठाया। यह सामान्य था, क्योंकि ऑटो थ्रॉटल फ्लाइट लेवल चेंज मोड में था। लेकिन समस्या यह थी कि विमान पहले से ही आइडल ग्लाइड पाथ से ऊपर था, और नोज ऊपर उठाने से विमान और भी ऊपर चला गया। पहले विमान की उतराई की दर 900 फीट प्रति मिनट थी, लेकिन नोज ऊपर उठने से यह दर घटकर 300 फीट प्रति मिनट रह गई। इसका मतलब था कि विमान अब बहुत धीमी गति से नीचे आ रहा था, जो सुरक्षित लैंडिंग के लिए ठीक नहीं था। इस पूरी घटना में पायलट्स ने कुछ छोटी छोटी गलतियां की, लेकिन उन्हें ठीक करने के कई तरीके थे। पायलट्स के पास ऐसे कई साधन होते हैं, जिससे वे विमान को सही पथ पर ला सके, जैसे कि लैंडिंग गियर को जल्दी नीचे करना या स्पीड ब्रेक्स का उपयोग करना। लेकिन यहां पायलट्स ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। इस समय विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा मांगी गई गति से लगभग 5 नॉट्स ज्यादा तेज चल रहा था। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन कैप्टन और ट्रेनी कैप्टन दोनों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। क्रू के एक और सदस्य ने इस पर ध्यान दिलाया कि वे बहुत तेजी से चल रहे हैं, लेकिन ट्रेनी पायलट अब ओवरलोडेड हो चुका था और उसे बेसिक सिद्धांत भी समझ में नहीं आ रहे थे। कई बार उसे याद दिलाया गया कि उसे विमान की गति 180 नॉट्स पर लानी है। पायलट्स ने पहले से ही तय किया था कि अगर उन्हें लैंडिंग कैंसिल करनी पड़ी, तो वे फिर से 3000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ेंगे। कुछ समय बाद कंट्रोलर ने पायलट्स को सैन फ्रांसिस्को टावर से संपर्क करने के लिए कहा। Asiana 214 heavy, contact San Francisco Tower on 120.5. Contacting San Francisco Tower on 120.5. Asiana 214, good day. जब विमान ने अंतिम अप्रोच पॉइंट डुएट को पार किया, तब विमान की ऊंचाई 2250 फीट थी, जो कि सही ऊंचाई से 450 फीट ज्यादा थी। अब विमान 1000 फीट प्रति मिनट की दर से उतर रहा था, जो कि सामान्य से 750 फीट प्रति मिनट अधिक है। लेकिन फिर भी यह गति विमान को सही प्रोफाइल पर लाने के लिए पर्याप्त नहीं था। पायलट फ्लाइंग ने MCP स्पीड को 152 नॉट्स पर सेट किया और फ्लैप्स 30 की मांग की, लेकिन स्पीड 175 नॉट्स पर थी, जो
जो कि फ्लैप्स 30 के लिए अधिकतम स्पीड से अधिक थी। मुख्य कैप्टन ने कहा कि वे अभी भी 170 नॉट्स की स्पीड से ऊपर है, जबकि उन्हें इससे कम होना चाहिए था। स्थिति बिगड़ती जा रही थी और इस समय सबसे सही विकल्प यह था कि वे लैंडिंग की कोशिश छोड़ दें और गो अराउंड करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय ट्रेनी कैप्टन ने फ्लाइट लेवल चेंज स्पीड का चयन किया। इस चयन के कारण विमान का ऑटो पायलट उस स्पीड पर ध्यान देने लगा जो पायलट ने चुनी थी और इंजन ने विमान को ऊपर चढ़ाने के लिए ताकत लगाई। ट्रेनी कैप्टन को जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसने गलती की है, इसलिए उसने ऑटो पायलट को बंद कर दिया और इंजन की शक्ति को कम कर दिया। लेकिन इस बीच ऑटो थ्रॉटल जो गति को नियंत्रित करता है वो भी बंद हो गया और अब विमान की स्पीड सिर्फ उसकी ऊंचाई पर निर्भर थी, न कि इंजन पर। पायलट्स ने यह ध्यान नहीं दिया कि ऑटो थ्रॉटल बंद हो गया है, इसलिए वे यह सोचते रहे कि विमान की स्पीड ऑटोमेटिकली नियंत्रित हो रही है। जब वे रनवे के करीब पहुंचे तो विमान अभी भी बहुत ऊंचा था और सही रास्ते पर नहीं था, लेकिन इंजन की शक्ति कम होने के कारण विमान की स्पीड भी कम हो गई थी। पायलट्स ने विमान के सामने की खिड़की से देखा कि 4 सफेद लाइट्स जल रही थी जो दिखाती हैं कि वे सही लैंडिंग पथ से बहुत ऊपर थे। इस पूरी स्थिति में अगर पायलट्स ने समय रहते ध्यान दिया होता या सही फैसला लिया होता तो शायद यह हादसा नहीं होता। पैसेंजर कैबिन में कोई भी यह नहीं जान सकता था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि विमान का अप्रोच पूरी तरह से सामान्य लग रहा था। जब विमान खाड़ी के ऊपर से गुजर रहा था तो ट्रेनी कैप्टन ने फ्लाइट डायरेक्टर्स को बंद करने का निर्देश दिया, जो कि एशियाना एयरलाइंस की सभी विजुअल अप्रोच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया थी। लेकिन यहाँ पर मुख्य कैप्टन ने एक छोटी लेकिन गंभीर गलती कर दी। आमतौर पर दोनों फ्लाइट डायरेक्टर्स को बंद करके फिर से चालू किया जाता है ताकि ऑटो थ्रॉटल होल्ड से स्पीड मोड में आ जाए और सही थ्रस्ट सेटिंग कर सके, लेकिन मुख्य कैप्टन ने सिर्फ ट्रेनी कैप्टन के फ्लाइट डायरेक्टर को बंद किया और अपना नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि थ्रस्ट लीवर आइडल पर रह गया, जिससे विमान को पर्याप्त पावर नहीं मिली और उसकी गति कम हो गई। विमान जब 1000 फीट से नीचे उतर रहा था तब मुख्य कैप्टन ने टिप्पणी की कि विमान ऊंचा है। तब ट्रेनी कैप्टन ने कंट्रोल कॉलम को नीचे धकेल दिया, लेकिन उन्होंने बहुत अधिक धकेल दिया जिससे विमान की वर्टिकल स्पीड 1800 फीट प्रति मिनट से अधिक हो गई, जबकि मानक 1000 फीट प्रति मिनट थी। रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर ने इस पर सिंक रेट करके चिल्लाया, लेकिन विमान ग्लाइड पथ पर आ गया तो इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। अब विमान 500 फीट की ऊंचाई पर आ गया था। इस समय पायलटों को स्टेबल कॉल करनी चाहिए थी। स्टेबल कॉल में पायलट बताते हैं कि विमान लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है या नहीं। अगर विमान की स्पीड, ग्लाइड पथ, लैंडिंग गियर और फ्लैप्स सही होते हैं तो पायलट स्टेबल कहते हैं, वरना गो अराउंड की कॉल की जाती है। लेकिन इस स्थिति में पायलट्स ने स्टेबल कॉल नहीं किया। इस समय विमान 1000 फीट प्रति मिनट की स्पीड से नीचे जा रहा था, जो बहुत अधिक था। अगर पायलट्स ने गो अराउंड किया होता तो इंजन को सही समय पर पूरी ताकत मिल जाती और स्थिति को संभाल लिया जाता। विमान को 500 फीट की ऊंचाई से नीचे आता देख ट्रेनी कैप्टन ने विमान की नोज को ऊपर उठाने की कोशिश की ताकि वह लैंडिंग के दौरान ऊंचाई पर नियंत्रण कर सके, लेकिन उस समय एक बड़ी समस्या यह थी कि इंजन की थ्रस्ट आइडल पर थी, यानी इंजन से अधिक शक्ति नहीं मिल रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि विमान की एयर स्पीड यानी हवा में उसकी गति और भी कम हो गई। जब ट्रेनी कैप्टन ने नोज को ऊपर उठाया तो विमान का अगला हिस्सा तो ऊपर आ गया, लेकिन क्योंकि इंजन से पर्याप्त शक्ति नहीं मिल रही थी इसलिए विमान की गति धीमी पड़ गई। एयर स्पीड घटने का मतलब यह था कि विमान हवा में स्थिरता से नहीं चल पा रहा था। इस वजह से विमान अपनी तय ग्लाइड पथ यानी वह रास्ता जो उसे लैंडिंग के लिए फॉलो करना चाहिए उससे नीचे जाने लगा। जब विमान पानी से सिर्फ 100 फीट ऊपर था तब कैप्टन ने आखिरकार थ्रॉटल्स को पूरी ताकत से आगे धकेला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एयर स्पीड 103 नॉट्स तक गिर गई और विमान का पिछला हिस्सा रनवे से पहले समुद्री दीवार से टकरा गया। विमान का पिछला हिस्सा टूट गया और वह सीधे रनवे पर पेट के बल गिर पड़ा। विमान तेजी से घिसटते हुए रुक गया और उसके रुकते ही चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हादसे के बाद का यह सन्नाटा मानो उस भयावह क्षण को और भी ज्यादा गंभीर बना रहा था। कैबिन क्रू सदस्य ने तुरंत उड़ान डेक पर जाकर पायलटों से पूछा कि क्या विमान को खाली करना चाहिए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया। इस दुर्घटना में कुल 3 लोगों की मृत्यु हुई और 40 यात्री और चालक दल के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में वे 2 यात्री शामिल थे जो विमान की पूंछ टूटने के बाद विमान से बाहर गिर गए थे। हालांकि 4 केबिन क्रू सदस्य भी बाहर फेंके गए थे, लेकिन वे गंभीर चोटों के बावजूद बचने में कामयाब रहे। जैसे ही बचाव कार्यकर्ताओं ने अपना काम पूरा किया, दुर्घटना की जांच तुरंत शुरू हो
हो गई। दोनों कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर सही स्थिति में मिले, जिससे जांच में काफी मदद मिली। अंतिम रिपोर्ट में निष्कर्ष निकला कि यह दुर्घटना कई कारकों के कारण हुई, जिनमें पायलटों की थकावट प्रमुख थी, क्योंकि वे सर्कैडियन लो यानी कि वे शारीरिक थकावट के समय के दौरान उड़ान भर रहे थे। जांच में पाया गया कि पायलट लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। ट्रेनी कैप्टन जो उस दिन विमान उड़ा रहे थे, उनके पास बोइंग 777 को उड़ाने का पर्याप्त अनुभव नहीं था, जिसके कारण वे ऑटो पायलट के इस्तेमाल में गलती कर बैठे। को पायलट जो पायलट के ठीक पीछे बैठा था, उसने भी समय पर ट्रेनी कैप्टन की गलतियों पर ध्यान नहीं दिया, जबकि को पायलट का कर्तव्य था कि वह विमान की गति और ऊंचाई पर नजर बनाए रखे और समय रहते कैप्टन को सावधान करे। एशियाना एयरलाइंस ने अपने पायलटों को बोइंग 777 के ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में सही से ट्रेनिंग नहीं दी थी। जांच में यह भी सामने आया कि पायलट और को पायलट के बीच समन्वय और संचार की कमी थी, जिसकी वजह से वे एक दूसरे की गलतियों को सुधारने में नाकाम रहे। इस दुर्घटना के बाद एशियाना एयरलाइंस ने अपने पायलटों के ट्रेनिंग में बड़े सुधार किए। उन्हें विमान के ऑटोमेटिक सिस्टम के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को भविष्य में होने से रोका जा सके। पिछले वीडियो पर आपके शानदार समर्थन के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो यहाँ एक और वीडियो है कि दुनिया का सबसे बड़ा हादसा कैसे हुआ, कैसे एक छोटी सी गलती ने इतिहास की सबसे भयानक त्रासदी को जन्म दिया। टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर के इस हादसे को जानने के लिए यहाँ क्लिक करें और मैं आपको एक सेकंड बाद वहीं मिलूंगा।